कई बेगुनाहों की जान लेने वाले यूपी के माफिया डॉन मुख्तार की अंतिम यात्रा में जन सैलाब जुटना चर्चा में। मुख्तार के खिलाफ दर्ज 65 के करीब मामलों में से करीब 1.5 साल में 7 में हो चुकी थी उसे सजा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के भाई अवधेश राय तथा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित मुख्तार गैंग ने कई लोगों को उतारा था मौत के घाट। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा माफियाओं को मिट्टी में मिलाने संबंधी चेतावनी का वीडियो फिर हुआ वायरल। लास्ट ईयर गोली से मारे गए माफिया डॉन अधिक अहमद की तरफ मुख्तार की हत्या की भी होगी न्यायिक जांच। मुख्तार को विधानसभा प्रत्याशी बनाने वाले एसपी व बीएसपी सहित कई भाजपा विरोधी दलों के नेता मुख्तार की मौत के पीछे मान रहे हैं सरकारी साजिश। योगी सरकार आने से पहले यूपी में पूर्वांचल के इस डॉनत व आतंकी के खिलाफ गवाही देने को मौत को दावत मानते थे लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने माफिया डॉन मुख्तार के मौत पर सवाल उठाने वाले नेताओं को बताया माफियाओं का संरक्षक। और बहुत हम अंदर अंदर खुश है, हमको किसी की आस हुआ है, खुशी से हमको हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश है। सब ये है कि आज हमारे भाई की हत्या और अनायास कई लोगों की हत्या को ईश्वरीय न्याय मिला है और जितने लोग पीड़ित हैं उनको कहीं न कहीं आज सुकून मिला है। के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहां के भी कोई बत्ती देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। जो आज मुख्तार अंसारी वहाँ पे उनको सुपुर्द खाक किया गया है, हमारे हिंदू धार्मिक संस्कृति है जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी बात करना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होता। पर न्याय दिया हम सबके साथ, न्यायपालिका ने जस्टिस किया, वो न्यायपालिका निश्चित मैं आभारी हूँ न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिले। अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो कुछ भी बयान देते रहे, मैं इतना ही कहूँगा मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के पीछे ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे, वो खौफ, वो गुंडागर्दी, वो अत्याचार, वो कौन देता था और कौन संरक्षण देते थे, बताए ना सपा बसपा और कांग्रेस। और मैं राय साहब से पूछता हूं कि उनके परिवार के साथ जो घटा ऐसे अनेकों परिवारों के साथ हुआ, आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन सबके होंठ सिल गए हैं, मुंह में दही जम गया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। करीब 3 दशक तक यूपी अथवा पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह रहा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। आखिर अपने कर्मों के अनुसार जेल में ही दम तोड़ गया, मगर उसे सपुर्दे खाक किए जाने के दौरान गालीबाग कब्रिस्तान के आसपास करीब 30,000 लोगों की भीड़ जुटना चर्चा में है। कई निर्दोष लोगों की जान लेने वाले मुख्तार के आतंक से सताए परिवार जहां उसके मरने पर खुशी जता रहे हैं, वहीं जनाजे में शामिल हुए लोगों के साथ साथ एसपी व बीएसपी जैसे कई भाजपा विरोधी दलों के लोग इस आतंकी की मौत के पीछे सरकारी साजिश होना भी करार दे रहे हैं। साल भर पहले इससे भी ज्यादा करीब 100 मामलों के आरोपी यूपी के ही डॉन अधिक अहमद की मौत पर भी सियासी दलों के कुछ नेताओं ने इसी तरह आंसू बहाए थे। और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुस्लिम वोट साधने के लिए कुछ नेताओं द्वारा ऐसा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एसपी और बीएसपी के टिकट तथा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इलेक्शन लड़कर 5 बार विधानसभा पहुंचे मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए न केवल इलेक्शन जीतते थे बल्कि योगी राज से पहले अपना साम्राज्य अथवा गैंग भी जेल से ही चलाया करते थे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दे चुके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी के अनुसार 2005 में खुली जीप में अपने काफिले के साथ घूमने वाले मुख्तार की गैंग द्वारा किए गए मऊ दंगे को लेकर उस दौरान बतौर सांसद विरोध प्रदर्शन किया गया था और तब से दोनों में टकराव बताया जाता है। करीब 3 दशक तक पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मुख्तार को जहां यूपी कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष
अजय राय के भाई अवधेश राय के मर्डर केस में सजा हुई थी। वहीं अपने विरोधी भाजपा विधायक कृष्णानंद राय का मर्डर करवाने के बाद उन्होंने जानकारी के अनुसार चोटी कटवा दी थी। हत्याओं व मऊ दंगों के साथ साथ गुंडा टैक्स वसूलने जैसे कई मामलों में अपराधी मुख्तार अंसारी खुद को पूर्व उपराष्ट्रपति, एक गवर्नर व एक जस्टिस के परिवार का बताते थे और उनके दादा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानी थे। कुख्यात गैंगस्टर के जनाजे पर करीब 30,000 की भीड़ जुटना व काफी लोगों द्वारा उन्हें रोबिन हुड अथवा गरीबों का मसीहा कहा जाना सोशल मीडिया पर चर्चा में है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि मुख्तार एक कुख्यात डॉन था। एसपी व बीएसपी नेताओं सहित ओबीसी भी मुख्तार की मौत पर सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं और इस माफिया द्वारा मौत के घाट उतारे गए बेगुनाहों को लेकर ऐसे राजनेता कुछ नहीं कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एवं तेज तर्रार भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मुख्तार की मौत पर आंसू बहाने व सवाल उठाने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सियासत किया जाना गलत है। बहरहाल कई बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी भीड़ जुटने से आम लोगों की कानून व्यवस्था के प्रति सोच का पता चलता है और यूपी में उनकी तूती बोलने के दौरान उनके खिलाफ गवाही देने के लिए एक भी आदमी खड़ा नहीं होता था। क्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया है। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीजें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। आज बाबा के विश्वनाथ के आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। गलत बात है ये देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में आया, इसको स्वीकार है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी उनकी जान की, और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक्य हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहां पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो कुछ भी बयान देते रहे, मैं इतना ही कहूंगा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को, 30 साल वाले, ये होता है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के पीछे ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे। वो खौफ, वो गुंडागर्दी, वो अत्याचार, वो कौन देता था और कौन संरक्षण देते थे, बताए ना सपा बसपा और कांग्रेस। और मैं राय साहब से पूछता हूं कि उनके परिवार के साथ जो घटा ऐसे अनेकों परिवारों के साथ हुआ,